दोस्तों यूपीआई से पेमेंट अब तक हम सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड को यूज करके ही कर पा रहे थे, लेकिन आरबीआई ने अब परमिशन दे दिया है कि क्रेडिट कार्ड को यूज करके भी यूपीआई ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। तो क्या कुछ है इसका डिटेल, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। कैसे आप क्रेडिट कार्ड को लिंक करेंगे, क्या क्रेडिट कार्ड से यूपीआई ऐप को यूज करके पेमेंट करने पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, इन सारे सवालों का जवाब भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को यूज करके यूपीआई ऐप से पेमेंट करने का जो परमिशन दिया है, ये एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन है, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर से थर्ड पार्टी ऐप को यूज करके अब तक पेमेंट कर पा रहे थे, लेकिन अब आप यूपीआई ऐप को भी यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। और इसको लेकर के हो सकता है कि आप लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। नंबर वन सवाल आपके जहन में ये हो सकता है कि क्या क्रेडिट कार्ड को यूज करके यूपीआई ऐप से पेमेंट करना शुरू हो गया है। तो देखिए, अभी शुरू हुआ नहीं है, लेकिन शुरू होने वाला है, इसके गाइडलाइंस वगैरह तैयार होने हैं। लेकिन सबसे पहले जिस क्रेडिट कार्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी वो होगा रुपे क्रेडिट कार्ड, यानी कि सबसे पहले रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई ऐप यूज करके पेमेंट करने का ऑप्शन इनेबल्ड होगा। देन मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये जितने भी कार्ड्स के नेटवर्क हैं, इन सारे कार्ड्स को इनेबल किया जाएगा। तो अभी फिलहाल इसकी शुरुआत तो हुई नहीं है, सिर्फ परमिशन मिला है, तो अभी गाइडलाइंस बनेंगे, इसके बाद शुरुआत रुपे क्रेडिट कार्ड से होगी, देन अदर कार्ड्स को इनेबल्ड किया जाएगा। आपके जहन में दूसरा सवाल हो सकता है कि क्या हम क्रेडिट कार्ड से यूपीआई ऐप को यूज करके अगर पेमेंट करेंगे तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लगेगा? तो बिल्कुल एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। देखिए, अब तक हम और आप जब भी क्रेडिट कार्ड से कहीं भी कुछ भी पेमेंट करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज हमें नहीं देना पड़ता है, बल्कि हमें एक ग्रेस पीरियड मिल जाता है 40 दिन 45 दिन का, कि अगर हम आज खर्च करते हैं तो 40-45 दिनों के अंदर अंदर कभी भी हम उसका पेमेंट करते हैं और उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना पड़ता है। इसी तरह से यहां पे यूपीआई ऐप में भी होने वाला है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूपीआई ऐप में सेट करते हैं और उसके बाद कहीं भी कुछ पेमेंट करते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मर्चेंट के केस में कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जब हम मर्चेंट को पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट का कुछ एक्स्ट्रा फी देना पड़ता है। तो उसी तरह से हो सकता है कि यूपीआई से भी अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करेंगे तो वहां पर मर्चेंट को भी एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। तो जिस तरह से क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने के टाइम मर्चेंट ये कहता है कि जो प्रोसेसिंग फी होगा वो भी आपको देना पड़ेगा, तो हो सकता है कि इसी तरह से यूपीआई के केस में भी हो कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट आपसे एक्स्ट्रा फी मांग सकता है, लेकिन कस्टमर एंड पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। आपके जहन में अगला यानी कि तीसरा सवाल भी हो सकता है कि क्या हम क्रेडिट कार्ड से यूपीआई वॉलेट में पैसे ऐड कर पाएंगे? तो जी हाँ, आप बिल्कुल यूपीआई वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं और उस पैसे को कहीं भी खर्च कर सकते हैं, जिस तरह से आप नॉर्मली बैंक अकाउंट से या करंट अकाउंट से यूपीआई वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं। तो वो सारी फैसिलिटीज जो अब तक हमें डेबिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करने पर मिलता था, वही अब क्रेडिट कार्ड को लिंक करने के बाद भी मिलेगा। यानी कि कहिए तो कस्टमर्स को इससे फायदा है, बेनिफिट है, कोई नुकसान नहीं है। और अगर ऐसा कोई नुकसान होगा तो आगे आने वाली वीडियो में इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी जरूर बात करेंगे। वैसे जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड से यूपीआई ऐप के थ्रू पेमेंट करने का परमिशन दिया है, ये एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। लोग अब जिस तरह से डेबिट कार्ड या फिर बैंक अकाउंट को लिंक करके पेमेंट किया करते थे, अब लोगों के लिए आसानी हो जाएगी क्रेडिट कार्ड को अपने यूपीआई के साथ लिंक करके पेमेंट करने में। तो ये एक बढ़िया डिसीजन है और इस डिसीजन को हम बिल्कुल खुले दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे लोगों का अच्छा फायदा होने वाला है, लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना बड़ा आसान होने वाला है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।